सुबह हो गई है, चलिए अपनी आगे की यात्रा शुरू करते हैं। वहाँ जाना है जहाँ पूरा मानेगा, यहाँ नेटवर्क नहीं है। गौरीकुंड से लेके यहाँ मैं अभी आया हूँ लिंचौली। लिंचौली में थोड़ा नेटवर्क मिला है, ना नेटवर्क यहाँ है नहीं बहुत ज़्यादा। और ये जो निशान दिख रहा है ये ऊपर से पत्थर दिख रहे हैं, देखिए ये सब दिख रहे हैं। ये वही है 2013 में जो आपदा आई थी तो ये सब गिरा था। ये अभी और भी आगे और भी दिखाई देगा। मुझे उसके बाद कोई नेटवर्क नहीं, ना एयरटेल जियो वोडाफोन कोई नहीं था। अब ये लिंचौली जो थोड़ा ऊपर आए तो ये एयरटेल का इंटरनेट और मोबाइल का नेटवर्क दोनों आ रहे हैं। 4 किलोमीटर रह गया, 4 नहीं है एक्चुअली, आप मान के चलिए 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर फिर बिल्कुल सादा है, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से मंदिर दिख जाता है, मेन 4 है। और ये वो वाह, ये शुरुआत से दिख रही हैं ये सब बर्फ जमी हुई है, पानी बह बह के आ रहा है और सब ये जम गया है, मेरी नाक भी जम रही है। और तो यहाँ से 2.5 किलोमीटर रह गया है बस, 2.5 का मतलब आप मान के चलिए मुझे करीब ये जो बेस कैंप दिख रहा है 1 किलोमीटर का, बस ये ट्रैक करना है। उसके बाद इसका इंतज़ार था वो वहाँ से दिख जाता है। तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर रह गया है, आधे घंटे में कर लेंगे, क्या बात है। तो फाइनली जिस चीज का इंतजार था वो पूरी हुई। अब मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत शानदार, क्या बात है। धूप बहुत तेज, और वो पीछे से हेलीकॉप्टर आना भी दिखाई। और अब जाके वो स्नो माउंटेन वीडियो में आया, मंदिर भी आ गया दिख रहा है मुझे। तो फाइनली यात्रा कंप्लीट, वाह चढ़ई बाबा क्या बात है। मतलब उस एक चीज होती है टारगेट पर पहुंचने के बाद सारी थकान बिल्कुल गायब। बिल्कुल नीचे, अरे यार ये 2013 वाली जो आपदा थी, अब आप सोचेंगे ये इतने ऊपर कैसे है। ये ऊपर ये टूटा नहीं था, पानी नीचे से गया था, बस उसके वाइब्रेशन से ये मिट्टी खिसकी है ऊपर से। लोग कई वीडियो मैंने देखा है, वो लोग बताते हैं कि इतने ऊपर तक धारा गई, धारा इतने ऊपर तक नहीं थी, धारा नीचे ही गई थी, लेकिन उसके वाइब्रेशन से जो पानी का बहाव था उससे ये मिट्टी नीचे आ गई थी। तो क्या शानदार बात है भाई साहब, कोई भी व्यक्ति आराम से आ सकता है। 3 जगह से मिलता है, पाटा, कृषि और गुप्त का।
बाटा और सीजन का किराया है करीब 4700 रुपये आने जाने का, और गुप्त काशी से करीब 7300 रुपये ये लौटा फेरी किराया है, और 3 घंटे का टाइम मिलता है आपको। अगर आप 9 बजे यहाँ पे छोड़ता है तो 12 बजे वापस आपको फिट होता है, तो देख लीजिए जो कोई महंगा नहीं, आराम से आप आ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। एक जानकारी और दे रहा हूँ, पावर बैकअप का सामान अपने साथ जरूर लाएं। मेरी बैटरी 18% रह गई है, चार्जिंग की कोई व्यवस्था नहीं, आप देख रहे होंगे ये लीड अंदर जा रही नहीं, ये पावर बैंक अंदर है मेरे जैकेट के, अब उससे मैंने चार्जिंग शुरू कर दी है। ये बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, और वो मंदिर है लाइन लगी हुई है, तो यहाँ कम से कम 1.5 घंटा लगेगा, मिलते हैं दर्शन के बाद। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबिताम्बुजंग तुंग मालिका जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबिताम्बुजंग तुंग मालिका पहली दर्शन हो गए। अब मैं जूते पहन के बाहर आ गया, और ये यहाँ पर लाइन शुरू हो गई है। अभी भैरवाड़ी जाना ऊपर, और देखते हैं आज हैं क्या होता है। ये है वो भीमशिला, इसके बारे में सबने सुना है, काफी बड़ी है। अरे साहब तू लाला ठीक है, चेहरे पे काफी बड़ी है। शिव 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 हस्त डमरु वाज नाद नमद सृष्टि साज दिग दिगितक दिग दिगितक दिग 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 दिग। अब यहां से चलते हैं, ये ऊपर मंदिर है भैरव बाबा का, तो बस ये यात्री है। इसके बाद देखते हैं रुकेंगे या सीधे नीचे उतरेंगे, अब ऊपर मिलते हैं आपसे। तिट 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 धाति धा त्रिगण धा कणान तिट गदि के न धा कणान तिट गदि के न धाति के न धाति के न कणान धात्रिगण तक धात्रिगण तक धात्रिगण तक तिट गदि के न धात्रिगण तक धात्रिगण धात्रिगण तक तिट गदि के न धात्रिगण तक धात्रिगण तक धात्रिगण तिट गदि तिट गदि के न धा तिट गदि के न धा धाति धा तिट गदि के न धा तिट गदि के न धा धाति धा तिट गदि के न धा तिट गदि के न धा धा धाति धा।
एक 360 व्यू। एक चीज ये देखिए, ये दो कट दिख रहे हैं, एक ये आ रहा है और एक ये वही है। इसके ऊपर जो है वो है चोराबारी लेक, ये पीछे जो है ये इसके पीछे यहाँ पानी भरता है, ये कोई वो है सरोवर पूरा चोराबारी लेक का, वहाँ पानी ज़्यादा इकट्ठा हो गया था तो वो वहाँ से ये यहाँ से फा ये टूट गया और इधर से आया, इधर से आया, पानी पूरा आगे चला गया। पश्यन्तो सौम्य रूप पश्यन्तो सौम्य रूप पश्यन्तो डाल। अपनी यात्रा हो गई पूरी, अब यहाँ से वापसी चलते हैं नीचे की ओर। ये है बेस कैंप नंदी कैंप, यहाँ से करीब 1 किलोमीटर है बस, यहाँ डॉर्मेट्री भी है और कैंप भी है। यहाँ मेरी बुकिंग थी आज की, लेकिन मैं अपने शेड्यूल टाइम से 10 से 12 घंटे बिफोर चल रहा हूँ। लोगों का लेट हो जाता है लेकिन मेरा बिफोर चल रहा है, तो आज की मेरी बुकिंग थी। हालांकि मुझे उसका नुकसान हो गया और ऊपर मेरे यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा है नहीं है, बस एक आरती बजी है। ऊपर का मौसम बहुत ख़राब हो गया है और ठंड बढ़ती जा रही है, तो ठीक है अपना समय बचाएं, आज सुबह उतर गए, अभी उतर गए सोनप्रयाग, स्टे करेंगे कल सुबह बद्रीनाथ पहुँच जाएंगे। परसों तारीख है जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबिताम्बुजंग तुंग मालिका।